सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शास्त्रों के अनुसार कौन सी सात चीज़ों पे आपको हमेशा आस्था का भाव यानी कि श्रद्धा रखनी चाहिए तो आप हमेशा सफल होंगे। और अगर आप इन सातों चीज़ों की अगर शरण में जाते हो उनसे सहायता मांगने के लिए और अगर आपके मन में आस्था का भाव नहीं है तो आपको कभी भी कोई फल नहीं मिलता। सबसे पहला जो बताया वो है देवी या देवता। हम जिसकी भी आराधना करते हैं, जिनको अपना आराध्य मानते हैं, उस पर हमारी आस्था होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देवी देवता के मामले में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आस्तिक जो उनमें विश्वास रखते हैं, दूसरे नास्तिक जो नहीं रखते। देवी देवता को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके मन में उनके प्रति कौन सा भाव है, क्या आपके मन में समर्पण का भाव है, क्या श्रद्धा का भाव है, क्या आपके मन में भक्ति का भाव है। अगर ये भाव आपके मन में है तो ही आपको फल मिलेगा, क्योंकि देवी देवता हमेशा भाव के मुताबिक ही मनुष्य को फल देते हैं। अगर आप उनके प्रति आस्था का भाव रखते हैं तो हमेशा आपको सकारात्मक परिणाम ही देखने को मिलेगा। जरूरी है सब्र को बनाए रखना। कई बार होता है देवी देवता की पूजा करते हैं, 2 दिन कर ली, 10 दिन कर ली, 15 दिन कर ली, 1 महीना कर ली, लेकिन अगर आपका कार्य पूरा नहीं होता तो मनुष्य का विश्वास जो है वो डगमगाने लगता है। लेकिन आपको तब तक उन पर आस्था रखनी चाहिए जब तक आपका कार्य पूर्ण नहीं होता। तो शास्त्र कहता है कि बिना आस्था के, बिना भाव के देवी देवता के शरण में जाना व्यर्थ है। दूसरा है तीर्थ स्थान। तीर्थ स्थानों के प्रति भी आपकी भावना सकारात्मक होनी चाहिए। अगर आप तीर्थ स्थान की यात्रा करते हो लेकिन आपके मन में श्रद्धा का भाव नहीं है तो ठीक ये वस्तु भी आपकी व्यर्थ है। जैसे कि आप कहीं पे जा रहे हो, कोई कह रहा है आपके चलो तीर्थ स्थान की यात्रा करके आते हैं, आपके मन में ऐसा अगर भाव उत्पन्न होता है कि नहीं यार बहुत दूर है, बहुत भीड़ होगी, लंबी लाइनें होगी, बहुत ऊपर चढ़ना है, फिर अगर आप जाते हो ऐसा भाव लेके और अगर विधि विधान से भी आप उनकी पूजा करते हो, यात्रा संपन्न करते हो, तो भी आपको इसका फल कभी भी नहीं मिलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि तीर्थ स्थान में अगर आप जाते हो तो भी आपके मन में आस्था का भाव होना चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए। तीसरी चीज जो बताई है, तीसरा व्यक्ति, वो है ब्राह्मण। ब्राह्मण के ऊपर भी आपको हमेशा आस्था रखनी पड़ेगी। जो ज्ञानी ब्राह्मण है इनको हमारे शास्त्रों ने गॉड्स ऑन अर्थ कहा है, यानी कि भूदेव, धरती के जीते जागते देवता है ये, तो उनके प्रति भी आपको सम्मान का भाव रखना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर ब्राह्मण ने आपको कहा कि आपकी कुंडली में ये दोष है, इसके लिए आपको ये पूजा करनी पड़ेगी, जब वो पूजा करवाना शुरू करता है, आप पूजा में बैठते हैं, वो आपके लिए पूजा करवा रहा है, अगर आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा का भाव नहीं है कि आप इसको मानते नहीं हैं लेकिन आप घर वालों के कहने पर ही सिर्फ पूजा करवा रहे हैं या कर रहे हैं या उनके पास बैठे हैं, तो भी इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपका भाव श्रद्धा का होना चाहिए। ब्राह्मण के ऊपर आपकी सबसे पहली श्रद्धा होनी चाहिए, वो आपको जो विधि विधान से करवा रहा है उसके ऊपर आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। बिना भाव के, बिना श्रद्धा के आपकी कोई भी पूजा कभी भी सफल नहीं होती। इसलिए शास्त्र कहता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मण है उस पर आप हमेशा विश्वास रखिए। फिर चौथी जो चीज बताई है वो है मंत्र। शास्त्रों ने कहा है कि मंत्र पे आप हमेशा विश्वास रखिए। अभी तो नासा ने भी प्रूव कर दिया है कि सूर्य से जो ध्वनि निकलती है वो भी ओम की है। बड़े बड़े वैज्ञानिक मानते हैं लेकिन कुछ लोगों की आंखें अभी तक बंधी है। मंत्र भी आप अगर घर वालों के कहने पर करते हो, खुद के लिए नहीं करते हो, अगर घर वाला कहता है कि मंत्र जाप करो, भगवान का नाम लो, अगर आप फिर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करते हो तो इसके कोई मतलब नहीं। आपको खुद के लिए करना है, आपको उसको समझना है, उस पर आपको अतुट श्रद्धा रखनी है। बिना श्रद्धा के अगर आप मंत्र जाप करोगे, बिना आस्था के करोगे, आपके मन में समर्पण का भाव नहीं है, भगवान को प्राप्त करने का भाव नहीं है, क्योंकि भगवान को बांधने का सबसे सरल जो रास्ता है वो मंत्र ही है, तो बिना भाव के मंत्र जाप करना भी शास्त्रों के अनुसार व्यर्थ है। फिर पांचवा है ज्योतिषी। ज्योतिषी के पास अगर आप जाते हो लेकिन आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो ज्योतिष फिर आपको चाहे जितनी भी सलाह दे दे, कितना भी आपको मार्ग दिखा दे, ऐसे मनुष्य का कुछ नहीं होता जो अपने मन में हमेशा शंका रखते हैं। तो किसी के कहने पर अगर आप ज्योतिषी के पास जाते हो
तो इसका कोई मतलब नहीं, ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं होता, कभी भी उनको सफलता नहीं मिलती। उनके प्रति भी आपका, उनके प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, क्योंकि ज्योतिषी का अर्थ है जो आपकी ग्रह दशा देख के आपको गाइड करता है कि आपको आगे क्या करना है। तो अगर आपको श्रद्धा है तो ही उनके पास जाइए, वरना आप ना जाए। फिर है चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, उन पे श्रद्धा रखना भी हमारी ज़रूरत है, क्योंकि बड़े से बड़े रोग का इलाज असंभव है। लेकिन आप बगैर उन पे विश्वास रखे अगर आप उनके पास जाते हो तो वो आपके किसी भी रोग का निदान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका उनके प्रति विश्वास ही नहीं है। सातवीं जो चीज़ बताई है आखिरी, वो है गुरु। गुरु अपने शिष्य को सही गलत के बीच का भेद समझाता है और उसके कर्तव्यों के बारे में बताता है। तो गुरु पर श्रद्धा नहीं है तो गुरु बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। बिना श्रद्धा के गुरु के पास आप कभी भी जा नहीं सकते, ना तो गुरु आपका कुछ कर पाएंगे, ना तो शिष्य गुरु से कुछ भी प्राप्त कर पाएगा। विश्वासहीन होना गुरु के प्रति, उसका यही मतलब है कि आपके गुरु का होना व्यर्थ है और आपका शिष्य का होना। अगर आपको सही कोई गुरु नहीं मिल रहा है तो हनुमान जी को आप गुरु मान ले, हनुमान जी को आप पूजा कर ले विधि विधान से, और उनको आप गुरु के रूप में स्वीकार कर ले, क्योंकि आज के समय में सच्चे गुरु मिलना भी बहुत मुश्किल है। तो इस प्रकार से सात मैंने आपको शास्त्र में वर्णित बातें बताई, जिनके पास बिना श्रद्धा जाना मतलब आपको उसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।